हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर क्लास। मेरा नाम है देव ज्योति और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। दिख रहा है सबको? आदर्श चौधरी जी गुड इवनिंग, सुरेंद्र प्रजापति जी गुड इवनिंग, ब्रिजेश मौर्य गुड इवनिंग। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, बात करते हैं लेंस की, ठीक है। तो लेंस क्या होता है? आपने जब दर्पण के बारे में पढ़ा था तो दर्पण में हम बात करते थे कि एक हमारा क्या है, बड़ा सा गोला है। गोला किस चीज़ का बना हुआ है? कांच का बना हुआ है। और इस कांच में से हम एक क्या निकालते हैं, एक सर्कल को बाहर निकालते हैं। सर्कल यानी कि किसी भी एक, जैसा कि आपका टायर का शेप हुआ है ना, टू डायमेंशनल वृत्त को निकाले अगर हम। अंशुल जी हेलो, महेंद्र प्रधान जी गुड इवनिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्लास को शुरू करते हैं। तो दर्पण में हमने क्या पढ़ा था कि हम एक वृत्त को निकालते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, एक साइड से कलर कर देते हैं। लेंस में बस हल्का सा फर्क आ जाता है कि अब हम क्या करेंगे कि उस वृत्त को हम काट करके निकालेंगे लेकिन उसको कलर नहीं करेंगे। कलर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, उसको किसी और के साथ चिपका देंगे, है ना। चिपकाने का अलग से गोंद आता है, कनाडा बालसम होता है इसका अलग अलग, कांच को चिपकाने का गोंद आता है। तो ले दे करके लेंस क्या हुआ कि लेंस दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है। लेंस के लिए कितने पृष्ठ जरूरी होते हैं? लेंस के लिए दो पृष्ठ जरूरी होते हैं, जिसमें से कि एक पृष्ठ को वक्राकार होना ही होगा। एक आपका समतल हो सकता है, मान लीजिए ये वाला पृष्ठ, एक पृष्ठ अगर आपका समतल हो गया तो दूसरे पृष्ठ को पक्का वक्रीय होना पड़ेगा, तभी वो लेंस में आएगा। ये इस तरह से भी हो सकता है, मतलब कि लेंस की क्या परिभाषा हुई, लेंस दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से कि दोनों पृष्ठ वक्राकार हो सकते हैं या फिर एटलीस्ट एक पृष्ठ को तो वक्राकार होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई? मुनेश पिपल जी गुड इवनिंग, काजल जी गुड इवनिंग, कौटिल्य अकेडमी गुड इवनिंग, बेबी बघेल जी गुड इवनिंग। तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि लेंस को हम बनाते कैसे हैं और लेंस बेसिकली होता कितने तरह का है। तो लेंस क्या होता है ये तो हमें समझ में आ गया कि दो पृष्ठों से मिलकर के कुछ बना होता है और ये पारदर्शी होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम साइड में लिख ही लेते हैं कि लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, दो पृष्ठ से, और ये क्या होता है, पारदर्शी होता है। लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है और दो पृष्ठों से मिल करके बना होता है। ऐसे किसी भी आकार को हम क्या नाम देते हैं, लेंस का नाम देते हैं। अब बात करते हैं कि लेंस कहते किसे हैं। तो लेंस हम कहेंगे, सॉरी, लेंस कहते किसे हैं? ये तो बात हो गया, अब लेंस के प्रकार कितने होते हैं। तो लेंस जो होता है, एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा आपका हो जाएगा अवतल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस दो प्रकार का होता है, एक हम कहेंगे उत्तल लेंस और दूसरे को कहेंगे अवतल लेंस, ठीक है। दीपचंद जी गुड इवनिंग, उबेर जी ओके, इट इज योर फर्स्ट क्लास, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके, तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। वैसे तो लेंस के कई प्रकार होते हैं आपके, लेकिन उत्तल लेंस किसे कहेंगे, जो कि
बीच में क्या रहेगा? बीच में उभरा रहेगा और किनारों पर पतला रहेगा। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो बीच में जिसका उभार ज्यादा होगा और किनारे पर वो पतला होगा। अवतल लेंस जस्ट इसका अपोजिट कि बीच में पतला होगा और किनारों पर ये उभरा होता है। ठीक है, तो देखिए आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसी लेंस का काम आपको ज्यादा है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं कि जिसका दोनों साइड क्या है, दोनों पृष्ठ वक्रीय होते हैं और लगभग बराबर ही हम लोग मान के चलते हैं, और ये बीच में उभरा होता है और किनारे पे पतला होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है? अवतल लेंस में भी हम लोग दो वक्रीय पृष्ठ को माने रहते हैं, जिसका बीच वाला भाग क्या होता है आपका? पतला होता है, और किनारे वाला भाग क्या होता है? मोटा होता है। ठीक है, रोहित कुमार जी गुड इवनिंग, अभिषेक कुमार जी गुड इवनिंग। तो बताइए लेंस आपको समझ में आया कि नहीं? लेंस किसे कहते हैं? लेंस दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से कि एटलीस्ट एक पृष्ठ क्या होगा आपका? वक्रीय होगा और ये पारदर्शी होगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं? दो पृष्ठ होते हैं, तो हम लोग बेसिकली पहले वाले पृष्ठ को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग साइन कन्वेंशन को भी पढ़ेंगे तो हमें चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। अब बात करते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस की, मतलब उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जुड़े हुए कुछ परिभाषाओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे आज, कि इनकी परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। अभिषेक कुमार जी गुड इवनिंग, IPMM जी गुड इवनिंग। चलिए अब हम लोग बाकी की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला परिभाषा आता है वक्रता केंद्र का, सबसे पहली परिभाषा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। ठीक है, कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब देखिए लेंस के पृष्ठ कितने होते हैं? लेंस के पृष्ठ होते हैं दो। लेंस के कितने पृष्ठ होते हैं? लेंस के दो पृष्ठ होते हैं आपके। ये आपका पहले हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल उत्तल लेंस का। ठीक है, अब देखिए आपको उत्तल लेंस दिख रहा है, कितने पृष्ठ हैं? दो। मतलब कि कितने शीशे के गोले से सर्कल यानी कि वृत्त काट के निकाला गया होगा? दो वृत्त में, दो गोले में से, दो गोले में से दो वृत्तों को काट करके निकाला गया होगा और फिर उसको जोड़ा गया होगा। हो सकता है कि वृत्त आपका सेम हो या हो सकता है कि वृत्त आपका अलग हो, मतलब कि जो आपका गोला है हो सकता है एक ही गोले से दो शेप आपके निकाले गए सर्कल वाले, या हो सकता है कि दो अलग अलग गोले में से आपके सर्कल वाले शेप को निकाला गया। अब जब इसको जोड़ दिया गया तो देखिए यहाँ पर है क्या, ये इसका ये किस गोले का होगा? ये किसी इस तरह के गोले का पार्ट होगा। ठीक है, और ये वाला किसका पार्ट होगा? इसका गोला कहीं इधर आएगा, आपको विजिबल है? ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र इसका किधर की तरफ आया? जो आपका पहला पृष्ठ है, चीजों को जनरली ऑब्जेक्ट को हम लोग किधर की तरफ रखते हैं? लेंस से हमेशा लेफ्ट में रखते हैं। तो रेज भी कहां से आएंगी? हमेशा बाएं से आएंगी। तो इधर वाले पृष्ठ को हम लोग कहेंगे पृष्ठ नंबर एक और इधर वाले पृष्ठ को कहेंगे पृष्ठ नंबर दो। पृष्ठ नंबर एक का वक्रता केंद्र किधर की तरफ होगा? इससे राइट जाने पे होगा, ये आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र। पृष्ठ नंबर दो का वक्रता केंद्र किधर होगा? ये इधर से लेफ्ट आने पर इसका वक्रता केंद्र कहीं होगा। वक्रता केंद्र आपको हमने दर्पण के, जब आपको दर्पण हमने पढ़ाया था तभी आपको हमने बताया था कि वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र जिस गोले से हमने दर्पण के शीशे को कट करके निकाला है, उस गोले का अपना कोई केंद्र होगा ना,
उसी केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो गोले हैं, तो वक्रता केंद्र भी कितने होंगे, दो वक्रता केंद्र होंगे। तो ये पहले वाले का वक्रता केंद्र ये है, तो इसको हम लोग कह देंगे C1, और ये दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र इधर है, तो इसको हम नाम दे देंगे C2। यहां तक बात आपको क्लियर है? अच्छा गोलू यादव जी, आपको समझ में नहीं आया, तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। गोलू यादव जी, आप ये बताइए, आपको समझ में कहाँ से नहीं आया? आपको लेंस ही समझ में नहीं आया, या उत्तल नहीं समझ में आया, उत्तल नहीं आया, या वक्रता केंद्र नहीं आया, बताइएगा एक बार कमेंट करके। आशीष जी हेलो, सॉरी आलिशा नाम है आपका, सॉरी मैंने आशीष बोल दिया, थोड़ा दूर है ना इसकी। गोलू यादव जी बताएं आपको कहाँ से नहीं समझ में आया, आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, आपको शुरू से समझना है वो बताएं। अच्छा आपको लेंस ही नहीं समझ में आया, तो देखिए लेंस के बारे में हमने बात की। लेंस के दो पृष्ठ होते हैं, लेंस पारदर्शी होता है, दो पृष्ठों में से एक पृष्ठ क्या होना चाहिए, वक्रीय होना चाहिए। तो लेंस की परिभाषा आप कैसे दोगे, लेंस एक ऐसा पारदर्शी चीज है, एक ऐसा पारदर्शी वस्तु जिसका कि एक पृष्ठ वक्रीय होगा ही होगा, और दोनों पृष्ठ भी वक्रीय हो सकते हैं, या दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है, तो इसको लेंस कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, ये देख लीजिए, एक आपका एक समतल रहता है और दूसरा वाला क्या रहता है, उभरा रहता है, तो क्या ये लेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कौन सी कैटेगरी में आएगा ये वाला लेंस? तो ये वाला लेंस आएगा उत्तल की कैटेगरी में, क्योंकि उत्तल के बारे में हमने पढ़ा कि वो बीच में मोटा होता है और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। इसी तरह से एक एक सरफेस आपका हमने फिर से क्या ले लिया, पतला ले लिया, और दूसरे सरफेस को हमने इस तरह का ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, बीच में ये पतला है और किनारे पे क्या है, मोटा है, ठीक है। तो ये लेंस कौन सी कैटेगरी में आ गया, अवतल में आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं कि लेंस दो पृष्ठों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से कि कोई भी एक पृष्ठ आपका वक्रीय जरूर होना चाहिए, अगर ये वक्रीय नहीं होगा तो ये लेंस ही नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका उत्तल लेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका किस में आएगा, उत्तल लेंस, और दूसरा आपका क्या हो गया, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में उभरा हुआ होता है, अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है और किनारों पे उभरा हुआ होता है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी सबको। सुनील कुमार जी गुड इवनिंग, ओके गोलू यादव जी थैंक यू। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात कर रहे थे वक्रता केंद्र की। तो जनरली हम लोग उत्तल लेंस किसको कंसीडर करते हैं, देखिए उत्तल लेंस तो ये भी है और उत्तल लेंस आपका ये भी है, मतलब कि पहला वाला आपका वक्रीय, दूसरा वाला समतल, और इस केस में क्या है, पहला वाला आपका समतल है और दूसरा वाला वक्रीय है। लेकिन जब बात आती है उत्तल लेंस की, तो उत्तल के लिए हम इसी को मानते हैं कि यही हमारा उत्तल लेंस है। जनरल लैंग्वेज में आपके एग्जाम्स वगैरह में कभी ऐसा इमेज आपको देख करके पूछ दे कि बताइए ये कौन सा लेंस है, तो आप कंफ्यूजन में क्या करोगे, इसी को टिक लगा दोगे, ठीक है। या फिर आपको पूछेगा कि बताइए उत्तल लेंस कौन सा है, आपको एक दो तीन दिया और तीसरा ऑप्शन कुछ और दे दिया, मान लीजिए कि ऐसा ऑप्शन दे दिया, या फिर आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया, ठीक है। आपने क्या पढ़ रखा है, उत्तल लेंस कौन सा है। सबसे पहले देखिए ये वाला जो दोनों होगा, ये दोनों तो है ही नहीं, क्योंकि उत्तल लेंस की कैटेगरी क्या होती है, बीच में वो मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है, तो यहाँ पे तो वो चीज़ है ही नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गया उत्तल से। अब देखिए यहाँ पर आइए, अब इन तीनों में उत्तल आप किसको बोलोगे, आप इसको बोलोगे, ठीक है।
आप किसको उत्तल मानोगे? आप इसको मानोगे। लेकिन हाँ, अगर आपको सिर्फ ये तीनों इमेज देता, अगर आपको सिर्फ ये तीन इमेज देता, इसमें एक और ऐड कर लीजिए, ये आपको विजिबल है कि नहीं? नहीं है विजिबल, चलिए नीचे बना देते हैं। मान लीजिए ये वाला इमेज दे देता, एक आपका ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये वाला, तो फिर आप किसको उत्तल बोलोगे? आप इस वाले को उत्तल बोलोगे, क्योंकि ये बीच में उभरा हुआ है ना? उत्तल की आइडेंटिटी यही है। अगर इधर देता है तो इन तीनों में सबसे बेस्ट वाला उत्तल कौन सा है? ये वाला। लेकिन अगर ये वाला नहीं दिया है तो बेस्ट कौन रहेगा? ये भी और ये भी, ठीक है? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तल का डेफिनेशन लर्न कर लीजिए। अवतल तो जस्ट इसका उल्टा होता है, वो तो अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है? अगर आप दोनों को याद, अगर आप बचपन में साइंस स्ट्रीम से नहीं पढ़े हैं और अभी आप सोचोगे कि आप इसको पूरा रट लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आपके लिए बेटर यही होगा, कितनी सारी चीज़ें आप रटोगे, है ना? तो आपके लिए बेटर यही है कि आप उत्तल को याद कर लीजिए। अवतल अपने आप इसका उल्टा अवतल होता है, ठीक है? हाँ, गोली यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो किनारे पे पतला होता है वो उत्तल होता है। अब इसका जस्ट उल्टा अवतल को याद मत रखिए, बस याद रखिए उत्तल का जस्ट उल्टा अवतल होता है, तो जो किनारे पे मोटा होता है वो अवतल होगा, ठीक है? तो चलिए अब बात करते हैं आगे। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाशिक केंद्र या फिर वक्रता केंद्र की। अच्छा, अगर आप क्लास टेंथ में पढ़े हो तब आप अवतल उत्तल दोनों याद कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जिसने क्लास टेंथ में साइंस पढ़ा है वो तो पूरा पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं आगे। हम बात कर रहे थे प्रकाशिक केंद्र की, तो जनरली उत्तल इसी को कहा जाता है जिसके कि दोनों पृष्ठ क्या हो आपके? वक्रीय हो। तो अभी ये वाला पृष्ठ आपका क्या है? वक्रीय है, तो ये आपका दूसरा पृष्ठ कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें आकर के सीधे पहले इसको हिट करेंगी, इसके बाद इसमें से निकलेंगी, ठीक है? तो इसलिए इसको पहला पृष्ठ हम कहेंगे, और इसका जो आपका प्रकाशिक केंद्र बनेगा इसको हम C1 कहेंगे, और ये जो दूसरा वाला पृष्ठ होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? C2 कहेंगे, ठीक है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पे कि अवतल लेंस की बात करते हैं। ये समझ में आया कि प्रकाशिक केंद्र किसको कहते हैं? लेंस का जो पृष्ठ है, जिस गोले से, जिस आपके गोलीय शीशे के गोले से, कांच के गोले से काट करके निकाला जाता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और इसके कितने प्रकाशिक केंद्र होते हैं लेंस के? लेंस के पास दो प्रकाशिक केंद्र होते हैं। दर्पण के कितने केंद्र होते हैं? वक्रता केंद्र कितना होता है दर्पण का? दर्पण का केंद्र एक होता है, लेंस का केंद्र दो होता है, क्योंकि लेंस के पृष्ठ भी दो हैं तो केंद्र भी दो होगा। दर्पण का पृष्ठ एक है तो केंद्र भी एक ही होगा। अरे वाह गोलू यादव जी, आपको बहुत अच्छे से याद है, वेरी गुड, वेरी वेल डन। चलिए अब बात आगे की करते हैं। तो यहाँ पर आपका दो प्रकाशिक केंद्र की बात हो गई, अवतल लेंस की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको इमेज बना करके क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका काम पड़ेगा जब आप पढ़ोगे साइन कन्वेंशन के बारे में। यह आपका कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। अभी इसका पहला पृष्ठ कौन सा है? पहला पृष्ठ ये है और दूसरा पृष्ठ ये है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा बाएं में रखा जाता है और प्रकाश की किरणें हमेशा बाएं से दाएं की तरफ चलेंगी। तो ये देखिए इसका केंद्र क्या, ये आपका कैसा, ये इस तरह के किसी गोले से कट किया गया होगा, और ये वाला आपका किसी इस तरह के गोले से निकाला गया होगा ऐसा, ठीक है? अभी देखिए क्या है कि पहले वाले पृष्ठ का प्रकाशिक केंद्र किधर की तरफ होगा? बाई तरफ। ये आपका क्या होगा? C1
और इधर आपका क्या जाएगा C2, ठीक है। तो अब देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये उत्तल लेंस में देखिए जस्ट उल्टा होता है, इसका राइट साइड में प्रकाशिक केंद्र है। पहले पृष्ठ को ही बस मानिए, दोनों पृष्ठ लेकर के चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले पृष्ठ को ही केंद्र को, उसी से फोकस बनता है तो उसी को हम लोग जनरली लेते हैं। तो पहले पृष्ठ का जो केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस में राइट साइड में बन रहा है और अवतल लेंस में लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र राइट साइड में है और अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र लेफ्ट साइड में है। तो यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं मुख्य फोकस की। प्रकाशिक केंद्र तक सबको क्लियर हो गया, कमेंट करके बताएं आपको प्रकाशिक केंद्र समझ में आया, यहां तक बताएं। जी मेरी लाइव आने की जो टाइमिंग है वो 6 बजे से 7 बजे है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको सारी टाइमिंग मिलती रहेंगी कि कौन कब लाइव आ रहा है। 3 दिन लाइव अभी है मेरा, मंडे टू वेडनेसडे। ओके ओके, वेरी गुड गोलू यादव जी, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा है, आप बने हुए हैं हमारे साथ बिल्कुल पैरेलल में, देख के बहुत अच्छा लगता है। चलिए तो अब बात करते हैं आगे फोकस की, ठीक है। मुख्य फोकस की बात करेंगे तो एक बार फिर से देखिए, हम लोग कौन से पृष्ठ को कंसीडर करेंगे, पहले वाले पृष्ठ को। लेंस के कौन से पृष्ठ को कंसीडर करेंगे, पहले वाले पृष्ठ को, क्योंकि जिस तरह से इसका प्रकाशिक केंद्र 2 है उसी तरह से इसका फोकस भी क्या होगा, 2 बनेगा। फोकस भी कितना बनेगा, 2 बनेगा, लेकिन हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए केवल एक ही फोकस को लेंगे। लेकिन उससे पहले मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, दोनों प्रकाशिक केंद्र को मिलाती हुई सीधी रेखा को हम इस लेंस का क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र, इसको और भी क्या कहते हैं, प्रकाशिक या फिर वक्रता केंद्र, दोनों कह सकते हैं। अब बात करते हैं, हाँ गुली यादव जी मोस्ट वेलकम। अब बात करते हैं हम फोकस की, मुख्य फोकस की, किसकी बात हम करेंगे, मुख्य फोकस की बात करेंगे। तो अब देखिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं, फिर से वही बात, पृष्ठ कौन सा कंसीडर करेंगे, पहला वाला। अब देखिए जिसने जिसने हमारी प्रीवियस क्लासेस को अटेंड किया होगा, जिसमें हमने आपको दर्पण के बारे में बताया, दर्पण की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है, उसको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। और जिसने अटेंड नहीं किया है उसको तो और अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो बस बने रहिए हमारे साथ। अब देखिए मुख्य अक्ष किसे कहेंगे या फिर मुख्य धुरी किसे कहेंगे, दोनों प्रकाशिक केंद्रों को मिलाती हुई रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य धुरी, ठीक है। अब देखिए लेंस का भी अपना एक केंद्र होता है, लेंस का भी अपना क्या होता है, एक केंद्र होता है, ठीक है। इसे भी कई बार हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, ओ से डिनोट करते हैं, ठीक। अब होता क्या है कि इस बिंदु से, यानी कि लेंस के केंद्र से जो रेखा होकर के गुजरती है, आपको अपवर्तन के बारे में पता ही होगा, अपवर्तन क्या होता है, जैसे ही मीडियम चेंज होगा लाइट के रास्ते में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। लेकिन लेंस में एक ऐसा बिंदु होता है जिससे अगर प्रकाश की रेखा गुजरती है
तो वो क्या होती है, सीधी निकल जाती है। ये आपका क्या है, लेंस का केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर भी इसको कहते हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि रेखा क्या होगी, इसमें से सीधी निकल जाएगी। आप इसको वक्रता केंद्र ही कहिए, और इसको आप, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर है तो हिंदी में कई बार आप इसको प्रकाशिक केंद्र भी बोल लेते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच गुलू जी। तो अब देखिए क्या है, इस केंद्र से, लेंस के केंद्र से जो प्रकाश की रेखा होकर के जाएगी, वो अपवर्तन के पश्चात सीधी उसी रास्ते में निकल जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे दर्पण में होता था कि केंद्र से, ये इसका जो प्रकाशिक के, इसका जो वक्रता केंद्र होता था, वहाँ से जो रेखा आती थी वो बिल्कुल क्या होती थी, सीधी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती थी, यानी कि बिल्कुल परावर्तित होती थी, जिस रास्ते से आती थी उसी रास्ते से वापस चली जाती थी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर केंद्र से भी केस ऐसा ही है कि जो रेखा आएगी, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, पारदर्शी माध्यम है, तो जिधर से आई उधर से वो रेखा क्या हो गई आपकी, सीधी निकल गई। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। यहाँ पर लिख के भी मैंने मुख्य फोकस ही रखा है, तो अब जो लिखा है भैया पहले उसकी बात हो जाए, तो इसको ना बिगाड़ते हुए इसको ऐसा ही बना लेते हैं दोबारा से, कि मेहनत बेकार ना जाए। ठीक है, ये आपका हो गया, टेढ़ी हो गई लाइन मेरी, अरे टेढ़ी हो जा रही है, चलिए विजिबल है आप लोगों को। राजू कुमार जी गुड इवनिंग, चंदन कुमार जी थैंक यू सो मच। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का ये पहला प्रश्न है। देखिए उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। हिंदी में इसे अभिसारी और अपसारी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी यानी कि एक ही बिंदु पर ये आपका कन्वर्ज कर देता है। अभी मुझे श्योर नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा, यही होता है ना, कन्वर्जिंग मतलब अभिसारी और डाइवर्जिंग मतलब अपसारी। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं, कन्वर्जिंग यानी कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने वाला, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। जैसे कि होता है ना कि किसी किसी को आप अपने फ्रेंड्स लोगों को बोलते हो, यार ये तो बहुत कन्वर्जिंग है। कन्वर्जिंग मतलब कि अपने में ही रहने वाला, अपनी सारी चीज़ों को सेपरेट रखने वाला, इकट्ठा रखने वाला। ठीक है, और एक डाइवर्जिंग होता है मतलब जिससे मन उससे बात करने वाला, घूमने फिरने वाला। ठीक है, मतलब फैल जाने वाला। ठीक, तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, किरणों को, प्रकाश की किरणों को फैला देने वाला है, और ये क्या है, ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर देने वाला है, यानी कि एक ही बिंदु पर ले आ देने वाला है। ठीक है, कृष्णा यादव जी हेलो गुड इवनिंग कृष्णा जी। चलिए अब देखिए बात करते हैं, क्योंकि ये अभिसारी है, अभिसारी ही है, कमेंट करके बताइए, अभिसारी कन्वर्जिंग, अपसारी डाइवर्जिंग, सही बता रहे हैं या नहीं। ये आपका हो गया अभिसारी, ओके थैंक यू सो मच चंदन कुमार जी, थैंक यू भैया, आपने बड़ा, बहुत बड़ा कंफ्यूजन मेरा क्लियर कर दिया आज। चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि ये अभिसारी है तो जो भी किरणें आएंगी उनको ये क्या करता है, एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसी तिरछी किरणें आई और अपवर्तन के पश्चात ये क्या करेगा,
उन सारी बिंदुओं को, उन सारी किरणों को एक ही बिंदु पर ले आ देगा। जैसे कि एक एग्जांपल होता है ना कि आप वो जो मैग्नीफायर होता है आपके लैब वगैरह में मिल जाता होगा, और उससे हम लोग बचपन में बड़ा खेला भी करते थे कि उसको सूर्य की किरणों के सामने से लगा दीजिए और एक कागज़ पे लगाइए तो कागज़ बर्न होने लगता था, है ना। वो क्या करता था, वो सूर्य की सारी किरणों को, वो जो पैरेलल किरणें, समानांतर किरणें उस लेंस पर पड़ी किरणें, और उसको उसने एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया और उतनी किरणों से ही इतना हीट प्रोड्यूस हो गया कि उसने जलाने जितना हीट प्रोड्यूस कर दिया और कागज़ जलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस कर सकता है, केवल उत्तल लेंस कर सकता है। अगर मैग्नीफायर में आप अवतल लगा दीजिए तो ज़िंदगी में नहीं जलेगा कागज। हाँ, ये अलग बात है आप माचिस लगा दो तो जलने लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल लेंस है। अब इसमें हमने क्या किया, किरणें हमेशा किधर से आएंगी, बाईं ओर से आएंगी। तो ये आपकी मान लीजिए कि समानांतर किरणें इस तरह से आई, ये आपका हो गया एपर्चर। मतलब कि लेंस का भी अपना क्या होगा, एक डायमीटर होगा, एक अपना व्यास होगा। लेंस के व्यास को हम क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे। व्हाट्स गोइंग ऑन, इट इज़ गोइंग ऑन फिजिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं जीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल देखिए अभी इंडिया चाइना का ऐसा हालत चल रहा है ना कि चाइना का, अभी लोग चाइना की हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें कि चाइना में ऐसा कैसे डेवलपमेंट हो गया, कभी सब भूखे मरते थे, आज इतने डेवलप हो गए हैं कि इतना उनका टेक्नोलॉजी हो गया है। तो वहाँ पे बस साइंस और टेक्नोलॉजी पे 1975 से वहाँ पे सिर्फ साइंस और टेक पे, साइंस टेक्नोलॉजी पे इतना ध्यान दिया गया था कि आज वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है कि वो अमेरिका से भी पंगा ले सकती है, है ना। तो इसीलिए अब साइंस और टेक पे हमारे इंडिया में भी ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, गवर्नमेंट को इंसिस्ट किया जा रहा है कि भाई साइंस में और टेक्नोलॉजी में बच्चों को ज़्यादा ले आइए और जानकारी बढ़ाइए। तो अब आप ये याद रखिए कि अब जो आप एग्ज़ाम भी देने वाले हो ना, उसमें आपको साइंस और टेक्नोलॉजी से, जो आपका जनरल जीएस जो होता है ना, जनरल स्टडीज़, उसमें जो टॉपिक होगा उसमें साइंस के टॉपिक्स को ज़्यादा कवर किया जाएगा। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि साइंस में चीज़ें लिमिटेड है, साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, जैसे कि आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, ये सब में पढ़ना होता है, चीज़ें लिमिटेड हैं, आप पढ़ करके आराम से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ठीक है, तो आप कॉन्सेंट्रेट करिए, हो गया इतना ज्ञान काफ़ी था। अब आते हैं फिजिक्स की ज्ञान में। तो देखिए फिजिक्स का ज्ञान ये कहता है कि मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य धुरी से समानांतर किरणें हमने लिया, क्योंकि ये लेंस क्या है, अभिसारी है, तो अपवर्तन के पश्चात किरणें एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी। समानांतर किरणें, समानांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेंगी उसे ही हम क्या कहेंगे, इस लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, इस लेंस का मुख्य फोकस कहेंगे। और देखिए यहाँ पर हमने लिखा है F1, क्योंकि पृष्ठ दो है तो यहाँ पर फोकस भी आपके कितने पाए जाएंगे, दो पाए जाएंगे। लेकिन जनरली हम लोग इसे ही पहले वाले पृष्ठ से, जो पैरेलल आती हैं किरणें और केंद्रित हो जाती हैं मुख्य दूरी के जिस बिंदु पर, उसे ही हम लोग फोकस की तरह से ट्रीट करते हैं जनरली। अगर आपको एग्ज़ाम में केवल फोकस दिया है तो आप इसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक और फोकस होता है, क्योंकि पृष्ठ दो है फोकस भी दो होगा। लेकिन उससे पहले हम अवतल के भी फोकस को एक बार जान लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो अपसारी है, ये तो केंद्र करेगी नहीं, ये क्योंकि मुख्य धुरी पर नहीं मिलने वाली। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी ऐसी समानांतर किरणें आई, ठीक है, आकर के ये आपका क्या है, ये आपका लेंस का व्यास है। इस व्यास को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं, ठीक है, लेंस का डायामीटर, ठीक। अब देखिए क्या है, प्रमोद कुमार जी हम बिल्कुल अच्छे हैं,
एन के गेमिंग जी, ये क्लास भौतिक विज्ञान की चल रही है, पहले ही बता दिया मैंने। अच्छा, गोली यादव जी आप 12th के स्टूडेंट हो, वेरी गुड। हम लोग के साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे आपके आपके लिए भी एक बहुत अच्छा कोर्स शुरू होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिए और फ़ायदा उठाइए पूरा जितना कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि ये आपकी क्या है, पैरेलल आपकी किरणें हैं, ठीक। अब ये जो पैरेलल किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात, क्योंकि ये आपका कैसा लेंस है, अपसारी है, किरणों को फैलाने वाला है, तो ये अपवर्तन के पश्चात किरणों को क्या कर देगा, फैला दिया इस तरह से। अब बताइए कि अपवर्तन के पश्चात क्या किरणों के दूर दूर तक कहीं मिलने का चांस है कि कहीं ये आपस में मैच कर सकती हैं, मीट कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं है चांस, कोई चांस ही नहीं, देख कर ही समझ में आ रहा है, एक भैया उस दिशा में एक इधर तिरछा निकला है, कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि अपना इमेजिनेशन पावर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर, और हम लोग सोचना शुरू करते हैं कि भैया ये किरण अगर पीछे की तरफ आई होती तो कहीं यहाँ पर मिली होती और मुख्य धुरी को, प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ, यहाँ पर कहीं पे कट की होती, तो इस पॉइंट को ही, इस लेंस का हम क्या कहेंगे, प्रथम फोकस या फिर मुख्य फोकस कहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ध्यान देने वाली चीज़ है, उत्तल लेंस का पहले पृष्ठ से जो आपका केंद्र बन रहा है, वक्रता केंद्र किधर है, दाहिनी ओर, मुख्य फोकस किधर है, दाहिनी ओर, अवतल लेंस का वक्रता केंद्र किधर है, बाईं तरफ, और मुख्य फोकस किधर है, बाईं तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? हाँ जी बिल्कुल गोली यादव जी, हम भी बने रहेंगे आपकी क्लास में, 12th की क्लास में फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक बात आपको क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं, एक और फोकस की बात कर लेते हैं यहीं पर, जब बात हो रही है एक फोकस की बात हो रही है तो दूसरे वाले की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य धुरी पर स्थित वह बिंदु, मुख्य धुरी पर स्थित वह बिंदु, इसको मिटा दिया जाए क्या, फोकस समझ में आ गया, फोकस दूरी भी देख लेते हैं। देखिए, ये आपका डायमीटर है यानी अपर्चर है, केंद्र ये आपका क्या है, लेंस का केंद्र है, लेंस के केंद्र से सीधे इस फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है इसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ या फिर फोकल लंबाई, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं F1, और इसका क्या हो जाएगा, इसका बाईं ओर आ जाएगा, इधर कहीं यहाँ तक आएगा, तो इसका आपका आ गया, ये हो गया आपका F1। तो यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा गोली यादव जी, इतनी जल्दी बाय, कितना टाइम हो रहा है भाई, अभी तो 6:41 हो रहा है, अभी टाइम बचा है 20 मिनट हम लोग के पास, मेरा जो टाइम है वो 6 बजे से 7 बजे के बीच में रहता है। ओके गोलू यादव जी, जाइए अच्छे से मार्केटिंग करके आइएगा। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले फोकस की। तो मुख्य धुरी पर स्थित वह बिंदु जिसमें से किरणें निकली और अपवर्तन के पश्चात मुख्य धुरी के समानांतर हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस के लिए प्रथम द्वितीय फोकस कहेंगे, क्या कहेंगे, द्वितीय फोकस। किसे कहेंगे द्वितीय फोकस, लेंस के मुख्य धुरी पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर के अगर किरणें गई और अपवर्तन के पश्चात मुख्य धुरी के समानांतर हो गई, तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहेंगे, उस लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे, यानी इसको क्या कहेंगे, F2 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से
यहाँ पर भी होगा कि आपकी क्या है, कोई किरणें इस तरह से आए, अवतल लेंस में क्या होंगी, किरणें अगर इस तरह से आ रही हैं कि अगर वो सच में आगे बढ़ी होती तो वो मुख्य धुरी के किसी एक बिंदु पर कट की होती और आने के पश्चात ये क्या हो गई, समानांतर हो गई। अपवर्तन के पश्चात क्या हो गई, समानांतर हो गई, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस का फोकस नंबर 2 कहेंगे, F2। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोग को समझ में आ रही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, दूसरा वाला फोकस हमको लग रहा है कि हमने अच्छे से आपको नहीं बताया, तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से। फोकस किसे कहेंगे, किसी भी लेंस की मुख्य धुरी पर वह स्थित वह बिंदु जिससे होकर के सच में किरणें जाए या जिसकी तरफ आती हुई प्रतीत हो और अपवर्तन के पश्चात मुख्य धुरी के समानांतर हो जाए, तो ऐसे बिंदु को, वो जो मुख्य धुरी की बिंदु थी उस बिंदु को उस लेंस का द्वितीय फोकस कहेंगे। प्रथम फोकस किसे कहेंगे, मुख्य धुरी के समानांतर आती हुई किरणें, मुख्य धुरी से समानांतर आती हुई किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य धुरी के जिस बिंदु को कट करें या कट करती हुई प्रतीत हो, ऐसी बिंदु को उस लेंस का प्रथम फोकस कहेंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक पे कि यहाँ पर देखिए, ये आपका C1 है ना, तो ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र नंबर 1, और इधर कहीं आपका था C2, तो ये आपका क्या था, वक्रता केंद्र नंबर 2। यहाँ पे तो C1 C2 दोनों हैं। तो अब देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर F1 से आपका एपर्चर तक का, या कह सकते हैं कि केंद्र तक की जो दूरी है वो आपकी फोकस दूरी है। अब त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या भी इसकी कितनी होगी, इसकी त्रिज्या 2 आएंगी। क्यों, क्योंकि भैया केंद्र 2 है, केंद्र 2 है तो त्रिज्या भी 2 है, तो ये आपका क्या हो गया R1, और इधर से बना देते ये आपका F2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया F2, और ये आपका क्या बन गया, ये आपका हो गया R2। यहाँ पे भी बना लेते हैं, ये आपका क्या हो गया F2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया R2, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया R1। बड़ा ही गिच पिच हो गया है, गाजी पाथू हो गया है, तो जिसने मेरी क्लास को शुरू से देखा हो उसको इतना गिचर पिचर नहीं लग रहा होगा, उसको लग रहा होगा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब जिसने अभी शुरू किया होगा उसको ज़रूरत है कि मेरी जो रिकॉर्डिंग्स है वो आप फिर से देखेंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। तो चलिए भाई बताइए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ना, जिसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। ये हम आपको बहुत डिटेल में नहीं बताने वाले हैं। क्यों नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको दर्पण के केस में, जब हम आपको दर्पण पढ़ा रहे थे, हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, बिल्कुल सेम वही है साइन कन्वेंशन, यानी कि चिन्ह परिपाटी, कि चिन्हों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, क्या है चिन्ह। और देखिए यहाँ पर हम आपको वही कवर कर रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं, या जिस कॉन्सेप्ट से आपको चीज़ें पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। आकाश जी, मेरा नाम है देव ज्योति, ठीक है, तो चलिए भाई आगे बात करते हैं चिन्ह परिपाटी की, कि चिन्ह परिपाटी किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका है, जो आपने दर्पण में जिसने पढ़ा होगा उसको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सेम वही है, जिसने नहीं समझा है वो इधर देख ले एक बार, क्योंकि हम लोग गणित पढ़ते हैं, है ना, और गणित में हम लोग अक्षों के बारे में पढ़ते हैं, हम ये बोलते हैं कि ये हमारा क्या है,
एक्स अक्ष है और ये वाला क्या है वाई अक्ष है और ये अपना क्या होता है प्यारा सा केंद्र होता है और सारी दूरियां हम कहां से मेजर करते हैं नापते हैं केंद्र से ही नापते हैं ओ से नापना शुरू करते हैं ठीक है। सेम यही चीज लेंस में भी होगा, कोई भी लेंस आप देख लीजिए, आप उत्तल ले लीजिए आप अवतल ले लीजिए, उसमें भी उसमें तो आप देखिए ओ बना हुआ भी है, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है ये आपका क्या होता है ये होता है आपका केंद्र और सारी दूरियां हम कहाँ से नापते हैं केंद्र से नापते हैं, किसके केंद्र से लेंस के केंद्र से। दर्पण में क्या होता था, दर्पण में आपको सारी दूरियां नापनी होती थी पोल से पी से। दूसरा आपका पहला केस क्या हुआ, पहला जो सारी की सारी दूरी हम नापेंगे वो कहाँ से नापेंगे केंद्र ओ से नापेंगे। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वस्तु को हमेशा हम लोग किधर की तरफ रखेंगे बाईं ओर रखेंगे, वस्तु को हम लोग हमेशा किधर की तरफ रखेंगे जो हमारा लेंस है उससे हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। तो आपको चिन्ह परिपाटी समझ में आ रहा है, पहला पॉइंट आपका क्या है, पहला पॉइंट है कि सारी दूरियों को हम लोग इस ओ से नापेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो हम वस्तु को रखेंगे वो लेंस के रेस्पेक्ट में किधर रखेंगे, तो लेंस के रेस्पेक्ट में उसको हम लोग रखेंगे बाईं ओर ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा कैसे हम मेजर करेंगे चीज़ों को हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखिए जैसे केंद्र से हम मेजर करते हैं ना, गणित में हम लोग मेजर करते थे कि दाएं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे एक्स एक्सिस में और बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। सेम वही चीज लेंस में और मिरर में भी होगा, यहाँ पर भी केंद्र से दाहिनी ओर जाएंगे तो प्लस लेंगे, केंद्र से बाईं ओर जाएंगे तो माइनस लेंगे, केंद्र से ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस लेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस लेंगे। तो देखिए आपको दायां बायां वाला तो क्लियर होगा, वो अभी क्लियर कर लेते हैं। ये देखिए आपका F1 मेजर कहाँ से करेंगे केंद्र से, F1 आपका किधर है दाहिनी ओर है तो क्या लेंगे F1 किस में रहेगा, F1 आपका पॉजिटिव होगा। फिर से केंद्र से बाईं ओर आए हैं F2 को मेजर करने के लिए तो F2 आपका क्या होगा ऋणात्मक होगा। इसी तरह से आपका R2 क्या होगा ऋणात्मक होगा और R1 क्या होगा धनात्मक होगा। अब बात करते हैं अवतल की, अवतल में F2 आपका धनात्मक होगा और F1 ऋणात्मक होगा और R2 आपका धनात्मक और R1 ऋणात्मक होगा। यहाँ तक बात आपको क्लियर आई थिंक हो गई होगी। अब देखिए ये वाई एक्सिस का क्या झमेला है, ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे नीचे आएंगे तो माइनस लेंगे। तो जब हम लोग लेंस को पढ़ते हैं तो वस्तु को जब हम रखेंगे तो हम लोग इस तरह से लेते हैं है ना, यानी कि मुख्य धुरी से वस्तु को हमने ऊपर की तरफ रखा, मतलब कि वस्तु का जो हाइट है इसको हम लोग किस में लेंगे धन में लेंगे प्लस में लेंगे। कई बार इमेज उल्टा बनता है नीचे की तरफ बनता है तो ये वाला जो हाइट लेंगे वो किस में लेंगे ऋण में लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आया, थैंक यू सो मच भूपेंद्र जी। तो अब देखिए आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई, चिन्ह परिपाटी आपको क्लियर हुआ, केंद्र से ही सारी दूरियों को मेजर करेंगे, केंद्र से दाहिने जाएंगे तो प्लस साइन, केंद्र से बाएं जाएंगे तो माइनस साइन, मुख्य धुरी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धनात्मक लेंगे आपका हाइट और मुख्य धुरी से नीचे की तरफ जाएंगे तो हाइट क्या लेंगे ऋणात्मक लेंगे। और एक बार फिर से एक चीज़ हम रिवाइज करना चाहेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब और जो आपका होता है इमेजिनरी प्रतिबिंब किसे कहते हैं है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं।
जब रेखाएं वास्तव में कट करती हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा उसे क्या कहेंगे, वास्तविक। और जब रेखाएं कल्पना में, मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे आती तो ऐसे कट करती, ऐसे होता तो ऐसे होता, उस केस में उस जो आपका प्रतिबिंब बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं हम लोग, ये देखिए ये किरणें आ रही है वास्तव में कट की, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक, है ना, वास्तव में रेखाएं कट की अपवर्तन के पश्चात। यहाँ पर क्या है, ऐसे पैरेलल रेखाएं आई और फैल गई, वास्तव में कट की नहीं की, तो यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना कल्पना बना हुआ है कि भैया अगर ये पीछे आई होती तो कहीं पर ऐसे कट की होती। ठीक है, हेलो राजकुमार जी, थैंक यू सो मच नारायण जी जी। मेरे क्लास की जो टाइमिंग है वो 6 बजे से 7 बजे है, और अब लग रहा है कि समय जो है पूरा होने को आ गया है। ठीक है, 6:55 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो अभी बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया अभी तक, मैंने जो भी आपको बताया उत्तल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में, उनके फोकस के बारे में, फोकल लेंथ के बारे में, कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और फिर मिलेंगे कल ठीक इसी टाइम पे 6 बजे से 7 बजे तक। और मेरे विशेष हमेशा आपके साथ हैं कि आपका एग्ज़ाम पक्का क्वालिफाई हो जाए। राजकुमार जी हेलो, तो क्या किया जाए भाई, क्लास को यहीं पे ख़त्म किया जाए, बताएं, आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं हम। नहीं यार, डेली क्लास नहीं होता है नारायण जी, 3 दिन है हफ्ते में, है ना, सोमवार मंगलवार और बुधवार 6 बजे से 7 बजे तक। ट्वेल्थ क्लास की तैयारी, नहीं नहीं ट्वेल्थ क्लास नहीं, आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आजकल साइंस ज़्यादा पूछा जा रहा है ना, आपका जीएस का ये पार्ट है, और आपकी एकेडमी की क्लासेस भी शुरू होंगी, हमारे चैनल पे शुरू होंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। और ये सारी चीज़ें भी आपकी कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में, आपका जो भी है बोर्ड का एग्ज़ाम है कुछ भी है, आपको काम आने वाली हैं, क्योंकि ये सब जनरल लाइफ जो एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है यही सब चीज़ें पूछी जाती है ना, तो आप इसको भी देख सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बस हाँ ये है कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, है ना, जैसे कि क्लासेस में जो आपको बोल करके ऐसे लिखवाया जाता है कि भैया लिखो लेंस किसे कहते हैं, लेंस जो होता है दो ऐसा, ये सब नहीं होगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
नहीं है, तो क्लास है। अच्छा स्ट्रीमिंग ऑफ हो गया ना? हाँ।